वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा बनाई गई मिनी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्लिक दबाकर किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर, प्रभारी जिलाधिकारियों व CDO इंद्रजीत सिंह, प्रभारी वनाधिकारी अविनाश कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि पर आने वाले समय में इको टूरिज्म के क्षेत्र में देश के नक्शे में प्रमुखता से दिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा बनाई गई ये मिनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन्हीं परियोजनाओं और इको टूरिज्म के क्षेत्र में गोरखपुर शहर के आगे बढ़ने का प्रतिबिंब है। इस फिल्म में गोरखपुर स्थित कुसमी जंगल, बुढ़िया माई स्थान, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, रामगढ़ताल झील, परगापुर ताल और लेहड़ा देवी मंदिर सहित प्रदेश सरकार की भविष्य की परियोजनाओं का भी जिक्र है। ये फिल्म वन प्रभाग गोरखपुर द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्य को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। इस 8 मिनट के शॉर्ट फिल्म का क्लिक कर लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान भी स्थापित किया है। इस प्राणी उद्यान का लक्ष्य वन्य जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। इस चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है जिसमें 40 से अधिक प्रजातियों की तितलियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके परिसर में 34 एकड़ का हिस्सा वेटलैंड का भी है। ये प्रदेश का इकलौता चिड़ियाघर है जिसके पास हरे भरे विभिन्न प्रजातियों के युवा पेड़ों और जलीय वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेटलैंड है। हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर गोरखपुर कुशीनगर राजमार्ग में विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियां और सागौन के पेड़ हैं। इसी जंगल के 50 हेक्टेयर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोषणा की है। इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नॉलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की व्यवस्था के साथ ही साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। इसी जंगल के मध्य भाग में स्थित बुढ़िया माता के सिद्ध मंदिर में आप सड़क से 900 मीटर पैदल चलकर पर्यटन दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस वर्ष का विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम है और टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट यह है। उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, मेरा मानना है कि पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। हमारे पास यहां पर न केवल रिलीजियस टूरिज्म के लिए अपितु इको टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो इको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। गोरखपुर में भी जो एक प्राकृतिक झील है रामगढ़ ताल, इसके अलावा गोरखपुर में बुढ़िया माई का स्थान है, उसके आसपास का जो फॉरेस्ट है पहले से ही बहुत समृद्ध रहा है इको टूरिज्म की दृष्टि से। महाराजगंज में लेहड़ा देवी के स्थान और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके अलावा 428 वर्ग किलोमीटर
एक विस्तृत भू क्षेत्र में फैले हुए गंडक नदी का जो पश्चिमी छोर है, जनपद महाराजगंज में सोगी बरगुआ वन प्रभाग के रूप में इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। लखीमपुर खीरी में चुका और चंदौली के चंद्रप्रभा वन प्रभाग का भी क्षेत्र इको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली है। ऐसे ढेर सारी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित होती हैं। टूरिज्म का मतलब केवल एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमें प्रकृति के नजदीक तो ले ही जाता है लेकिन रोजगार की भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसीलिए इस बार का थीम भी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा गया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोरखपुर और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि और इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि यहां पर आज गोरखपुर के वन विभाग के द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है एक सराहनीय पहल है। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग इस क्षेत्र में पर्यटकों को अधिकाधिक मात्रा में आकर्षित करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ कर सकें। वन विभाग है, पर्यटन विभाग है और भी अन्य संबंधित विभाग मिलकर के इस अभियान को समय की दृष्टि से आगे बढ़ा सकेंगे, इसके बहुत व्यापक प्रभाव सामने आएंगे। मैं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में छुपी हुई पर्यटन की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।